Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the another vlog. तो गाइस आज हम जा रहे हैं फिर से संडे राइड पर और आज ब्रोकन राइडर शिवम मेलो और नरेंद्र कुकरेती का मीटअप है तो हम वहीं पर जा रहे हैं रायपुर स्टेडियम जहां हम सब प्रैक्टिस करते हैं अपने स्टंट वगैरह की. आज वहाँ भाई लोगों का मीटअप है, मीट एंड ग्रीट है, तो वहीं पर जा रहे हैं. आज देखते हैं क्या मजे आते हैं, क्या मौज करते हैं हम लोग. और लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही सही था, ऐसे सपोर्ट करते रहो गाइस. बिना शेयर करे उस पर ठीक ठाक व्यूज पहुंच गए थे, मैंने शेयर भी नहीं करी, मैंने सिर्फ गाइस हम और ये शिवम मेलो कुकरेती भाई यहाँ लग चुके हैं भीड़. और भाई लोग मैं रुकने ही वाला था शिवम भाई और नरेंद्र भाई से मिलने के लिए कि इतने में मैंने देखा कि ब्रोकन भाई की स्टॉपी सडनली क्रैश हो चुकी है, उनका पैर मुड़ चुका था. तो मैं फिर चाहता हूँ आगे लगी तो नहीं ब्रोकन भाई. उठाओ 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 उठाओ. पैर मुड़ यार गाड़ी नीचे आते हुए ना. उड़ जाओ उड़ जाओ. और यहाँ ब्रोकन भाई इतना आराम से गिरे पर लग नहीं रहा था कि भाई की हड्डी डिसलोकेट हो चुकी है, पर बाद में पता चला, इसलिए सब अभी शांति से खड़े हैं क्योंकि भाई अभी उठ नहीं रहे. तो गाइस मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था विकास नगर से, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मिस्टर यादव. वो भी एक मोटो ब्लॉगर है भाई, विकास नगर से मेरे से यहाँ मिलने आया था. मैंने उनको इनवाइट किया था क्योंकि मीट एंड ग्रीट पर जो मेरे भाइयों का है उसी पर मैंने इनवाइट किया था. तो भाई मेरे से मिलने आया इतने दूर से, तो मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ. अभी मैं पीछे चला गया था, ड्यूक 390 क्रैश हो गया था शिवम की, तो हम उसका फ्रूट टेस्ट चेंज कराने गए थे. तो मैंने भाई को लोकेशन भेजी थी, लाइव लोकेशन. तो लाइव लोकेशन है महाराणा प्रताप रायपुर स्टेडियम की, तो भाई मेरे को वहीं मिलेगा, मैं भी वहीं उससे मिलने आ रहा हूँ. तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे मिल चुके हैं मिस्टर यादव, बस थोड़ी सी आगे खड़े हैं वो. अब मैं जाता हूँ उनसे मिलता हूँ, भाई इतनी दूर से आया मेरे लिए. क्या हाल है भैया आपके, कैसे हो? बढ़िया. आ गया मेरा भाई. अरे यार एक बंदे का क्रैश हो गया. अरे यहीं पे ना बिल्ली मारते हैं ना, वो बिल्ली ज़्यादा पॉप अप हो गई. जैसे उसने उठाई ना, एक एक उठाई दूसरी उठाई, एक दो बंदों क्रैश हो गया हमारे साथ के ना, जिनका मीटअप था ना, उसने बिल्ली उठाई वो टेल टाइट ही नीचे टच हो गई, बस गाड़ी डिसबैलेंस हो गई. वही फुट रेस्ट ज़्यादा लगी उसके, नहीं लगी वैसे फुट रेस्ट ऊँचा, वो टेल चेंज कराने गया. हाँ ठीक है, इधर ही है, आ रहा इधर ही आ रहा है. वो 390 ड्यूक से मार रहा था ना, पावर बिल्ली लगती है उस पर. तो और सब बढ़िया, बड़ा टाइम लग गया तुम्हारे में यार. और सब बड़े बेहतरीन है. हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसे तो हटा कुर्सी को. तो गाइस यहाँ आ जाते हैं हम ब्रोकन भाई का एक्स्ट्रा कराने. ब्रोकन भाई के चोट जो लगी थी, हड्डी जो उनकी डिसलोकेट हुई थी, वो मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुका था ब्रोकन भाई को देख कर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस फुटेज में क्या क्या हो रहा है, हम कहाँ कहाँ गए, वो भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा. ब्रोकन भैया का एक्सरे हो चुका है यहाँ.
अब रोकन भाई को लेके जा रहे हैं अभी सबके सब। ये देखिए अब ये इसमें हेलमेट की कमी है बस, मोटो व्लॉग बनेगा। एक्स्ट्रा दिखा दो सॉरी को। हाँ एक्स्ट्रा करवा लिया। आप लोग यहाँ होता है वैसे एक्स्ट्रा? यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा? हाँ इसलिए हम करा के आए पहले। जैकेट वो लाइनर निकाल रखे ना भाई ने, लाइट फील होती है यार ये बहुत, इतना विंटर लाइनर और रहता है ना इसके अंदर दो। पास में था ना सर, एक ही था इसलिए हमने जल्दी में करा लिया सर। हाँ सर वही। मतलब हड्डी खिसक गई, ठीक हो जाएगा ना सर? कोई ऐसी बात नहीं। चलो चलता हूँ सर। लगता है अब दून हॉस्पिटल में तुम्हारा निवारण हो जाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल भटकना पड़ा आज हमें, हमारा संडे ऐसे खराब गया। अरे क्यों टेंशन ले, तुम्हारा भाई है ना जिंदा। तुम्हारा हेलमेट हुलमेट सब उन्हीं के पास है? अरे उससे वो बोल रहे ना स्टेबल हो जाएगी, जो हड्डी मतलब हटी है वो स्टेबल हो जाएगी। ऐसे कुछ ज्यादा तो नहीं है ना मैम, सीरियस वाले कुछ? ठीक हो जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इतने में ठीक हो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं। तुम मानते नहीं ना? ठीक है मैम, ओके। भैया ब्रोकन राइडर के भी कर दो। ओके क्या हो गया भैया आपको, कैसे लग गई? ओ भयंकर भाई। अच्छा चलाने वाले थे? अरे यार बताओ यार भैया। ब्रोकन भैया आराम से बैठना, बैठो। सेकंड डॉक्टर हमारे ये हैं, जूता उतार दो वाले। अबे कितना भयंकर हो रखा, वो देगा नहीं पत्थर कैसे गिरा। और ये क्या तुम्हारे सांप ने काट लिया था? ब्रोकन भाई चेक करा दो मैम एक बार ना। और कच्चा प्लास्टर मैम कितने दिन में उतरे गए? तो
ठीक है। सही बात है। इधर मैं रुकूंगा। रिकॉर्डिंग नहीं है, बंद है वो, ऑफ हुआ है, ऑफ है, बीप करता रहता है वो, मोटो व्लॉगिंग बीप करता रहता है, हर एक 10 मिनट में बीप करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? सही बोल रहे हैं। मीटअप था ना, मीट एंड ग्रीट था भाई। कुछ नहीं, खड़ी खड़ी गाड़ी पे मुड़ा है पैर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, स्टॉप ही मारते हो ना। ऐसे स्टॉप ही मारी, ऐसे नीचे आई ना, एकदम पैर मुड़ गया सडनली, तब हुआ बस। नॉनवेज नहीं खाते तुम? ये कितने देर में सूख जाएगा? कितने दिन तक? कितने दिन तक? जो कच्चा लगता है वो तो रहता है ना, महीना इमरजेंसी में कच्चा ही लगता है। नहीं सर, वैसे रहता है कब तक? ये महीने भर रहता है? ये हड्डी वाले मिनरल लेते हैं, हड्डी वाले स्पेशलिस्ट लेते हैं। वही बताइए, वही बताएंगे कि इसी पे सही हो जाएगा या पक्का प्लास्टर होगा या ऑपरेशन होगा या क्या होगा, वो बताएंगे। Sorry, hush.